नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह की तरफ से आज कई कार्य किए जा रहे हैं। महिलाओं को समूह में जोड़कर आज खेती का बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही कई और कार्यों में से भी उन्हें जोड़ा जा रहा है। दिखाते आपको किस तरह से अनगढ़ा के नया टोली में महिलाओं को खेती के साथ साथ पशुपालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ महिलाएं गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन जैसे रोजगार से खुद को जोड़ रही हैं और इसके जरिए अपने आप को सशक्त तो बना ही रही हैं, साथ ही साथ अपने क्षेत्र के विकास में भी योगदान निभा रही हैं। आजकल महिलाओं का वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं के लिए उनकी आर्थिक स्वतंत्रता उनके सशक्तिकरण हेतु एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को स्वयं पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित करती है। उन्हें किसी और से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्हें अपना जीवन अपने अनुसार जीने की आजादी मिलती है तथा महिलाओं को बराबरी का भी एहसास होता है। इस कार्यक्रम के तहत आज हमारी टीम रांची जिला अंतर्गत अनगढ़ा प्रखंड में सिरका नया टोली में है और आज यहाँ हम जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण का। कैसे हुआ ये संभव, कैसे महिलाएं घर की चारदीवारी से बाहर निकली, आइए जेएसएलपीएस के क्लस्टर कोऑर्डिनेटर से जानते हैं कि कैसे इन महिलाओं को सशक्त की। मेरा नाम है अफसरी परवीन है और इस हमारा समूह जो खुशबू महिला समूह है वो हमारा गठन हुआ है 10/3/2014 में। उससे पहले हमारे गाँव में छोटा मोटा समूह चल रहा था जो स्वयं सहायता यानी खुद से समूह चला रहे थे, लेकिन उसमें ना कि कोई सरकारी योजना आ रही थी, ना ही कोई दीदी समूह में बैठा के छोटा छोटा ऋण ले पा रही थी। लेकिन जेएसएलपीएस से जुड़ करके हमारा दीदियां आपस में एक दूसरे को जान पहचान रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे को ऋण देकर उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। छोटा छोटा ऋण हमारे समूह में बहुत सारे दीदियाँ, सभी 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य में सभी दीदियाँ ऋण ली हुई है और अपना समस्याओं को ग्राम यहाँ समूह में भी बात रखती हैं और बात रख के उनके समस्याओं का समाधान भी होता है। और इसमें ये भी है कि हमारे समूह में नेत्रियों का भी बदलाव हुआ है। समूह की दीदियाँ पहले नहीं बात करती थी, लेकिन अभी अपना खुद का कितना बचत है, उनको ऋण चाहिए, उनका ब्याज कितना बन रहा है, वो सारा चीज़ का जानकारी वो दीदी खुद लेना चाहती है। उनका परिवार से नहीं बल्कि वो उनका अपना पासबुक द्वारा वो लेना चाहती है कि उनका कितना किस्त ब्याज है या फिर उनका बचत कितना हो रहा है और उनको क्या क्या लाभ चाहिए, उसके बारे में भी समूह में बातचीत करती हैं, जिसके लिए हम भी इनका मदद करते हैं। जैसे ग्राम संघ अगर समूह में पैसा नहीं है तो हम ग्राम संगठन से इनकी MCLP के माध्यम से समूह को ऋण दिला देते हैं ताकि दीदियां अपनी रोजगार कर सके। जिसमें एक दीदी हमारी सहनाज खातून दीदी हैं जो अपना छोटा सा रोजगार चला रही थी, छोटा सा दुकान था किराना का दुकान, जो अभी बड़ा दुकान कर ले जिसमें सारा राशन का दुकान कर रही हैं। और दो दीदियां हैं जिनकी पहले घर की स्थिति बहुत ख़राब थी, जिसमें वो उनका हस्बैंड कुछ काम नहीं करते थे, लेकिन समूह से छोटा छोटा ऋण लेके, छोटा से बड़ा ऋण लेके अभी उनकी हस्बैंड धान का बिजनेस यानी खरीद बिक्री कर रहे हैं। हमारे देश की केंद्र सरकार देश हित के लिए महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता के महत्व को भली भांति समझती है, इसलिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु केंद्र सरकार ने उन्हें स्वयं सहायता समूह बनाकर पूर्ण आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। यासो देवी नया टोली रहने वाला और हमार दुख विपद बहुत है, गलखे दुठो जावन लड़का रहे दो ठीक लाए ओकर बाद ने दवा भी रोका लिए मेडिकल हॉस्पिटल में ले गेलिए और ओकर बाद ने यहाँ से अथी महिला समिति से पैसा मन ले के सब किस्म का ले कदूठो कड़ा ले लिए इन्हें खेती बाड़ी करिए ला और हमार आदमी गाड़ी चलावे ला और अथी घर दूरा खेती बाड़ी करिए ला। पहले जब नहीं जुड़ रहे तो कैसे काम चलत रहे घर दूरा का? पहले से अथी गाड़ी रहे पहले हो ढेरे दिन से, तो बेटा मन गाड़ी लेना रहे तो एक्सीडेंट हेलक एकटा के मारि दिलें
और ओकर बाद ने पीछे खनिया गाड़ी खराब फैलै ना है महिला समिति से पैसा लेके आर मनवा लिए आर चुका लिए महिला समिति के और फिर कुछ बहुत लेब कि हेला हन आर फिर एक बेर अथी बनवाब कि हेला हेलक है तो अखन बेटा मन के दवाई बीरो करलिए ने हॉस्पिटल मन ले गलिए नी कर्जा मांग लिए ना और कर्जा के तो मेटलिए सिराल है तो फिर और लेब एक धब की है अथी महिला समिति से बहुते कर्जा ले लिए रहे से तो सबके अथी कर लिए दिलिए और अगर मिलते तो और लेब। सरकार के इस सकारात्मक कदम से आज देश के कई ग्रामीण इलाकों में महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर अच्छा लाभ कमा रही हैं। घरेलू परिधि से बाहर निकलकर महिलाओं ने अपने अंदर एक समूह के रूप में कार्य करते हुए छोटी छोटी बचत इकट्ठी करना, ऋण लेना, बैंक कर्मचारियों से संपर्क करना, लघु उद्यम स्थापित करना तथा समूह की बैठकों की कार्रवाई संचालित करना आदि के कौशल का विकास किया है। पहले जैसलपीएस से नए जुड़े थे उस समय बहुत गरीबी स्थिति में थे। मेरा हस्बैंड साइकिल से जाते थे काम करने, उसके बाद में धीरे धीरे करते करते लोन यहाँ से हम लोग को मुहैया किया गया कि मतलब कराएं, अपने से मुहैया कराएं और उसके बाद में फिर बाइक खरीदें, उसके बाद में फिर बाइक से जाते हैं काम और फिर यहाँ देते करते 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 उसके बाद में फिर धान उनका भी बिजनेस करते हैं, खेत लिए हैं और धान उनका बिजनेस करते हैं। लेकिन सुने हैं कि आप बकरी पालन भी किए हैं? नहीं, बकरी पालन नहीं किए हैं। बकरी पालन नहीं किए हैं? नहीं, बकरी पालन नहीं है घर में, लेकिन वो वाला नहीं है घर का। घर के लिए किए हैं? हाँ। आप रोजगार के लिए क्या करते हैं? धान उनका रोपते हैं सर। खेतीबाड़ी करते? हाँ, रोपते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं और बच्चा सबको पढ़ाते हैं। पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं जैसलपीएस से जुड़ के। तो जैसलपीएस से जब आप नहीं जुड़ी थी तो उस समय घर की स्थिति क्या थी? जैसलपीएस से नहीं जुड़े थे उस समय घर की स्थिति बहुत खराब थी। कैसे चलता था, उपार्जन कैसे चलता था? चलता था सर, ऐसे ही करते थे घर तरफ, कुछ कुछ करते थे खेती बाड़ी, मतलब खेत दूध में निकालने जाते थे किसी किसी का और अति करते थे। हाँ, मजदूरी करके और करते थे और अब धीरे धीरे मतलब अध्यक्ष बने तो कहीं कहीं अति करते हैं। अब आगे आप भविष्य क्या देखती हैं जैसलपीएस से जुड़ने के बाद, अपने जीवन में क्या भविष्य देखती हैं? आगे तो सोचते हैं कि आगे अच्छे रहेगा भविष्य में। आपके पति अभी क्या रोजगार कर रहे हैं? अभी मिस्त्री का काम कर रहे हैं, राजमिस्त्री। हाँ, उसमें आप कितना मदद कर पा रहे हैं? घर बना रहे हैं सर, धीरे धीरे जैसलपीएस से जुड़ के घर बना रहे हैं अभी। पक्के का बना रहे हैं, पहले नहीं था ये सब। घर में कौन कौन? हाँ, मेरा हस्बैंड और दो ठो बच्चा। दो बच्चा है। जिस वक्त आप इस गांव में, आज इस गांव की बहू हैं आप, सिरका नया टोली, जब आप बहू बन के आई थी तो घर में शौचालय था? नहीं था सर, जैसलपीएस से जुड़े उसके बाद में शौचालय है, घर में बनवाई शौचालय। कितना एक महिला के लिए कितना खराब बात? बहुत खराब बात है, फिर एडजस्ट कर लेते थे, अब तो शौचालय होके बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को बाहर जाना नहीं पड़ता है, शौचालय के अंदर ही सब कुछ, अपना शौच वगैरह, बाहर नहीं जाते हम लोग। पहले खेत में जाते थे तो बहुत दिक्कत होता था, अब वैसा कुछ दिक्कत नहीं है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर कार्य करने के कारण महिलाओं के आत्मविश्वास, स्वाभिमान, आत्म गौरव इत्यादि में वृद्धि हुई है। वो बनाने के बाद धीरे धीरे छोटे छोटे 10-10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया बचत शुरू किया। उस बचत राशि के बदौलत उनको ये आसान हुआ कि यहाँ पे पहले कई महाजन लोग थे और दूसरे NBFC थे, नॉन बैंकिंग कंपनी, उनके द्वारा ये लोग ऋण लिए हुए थे और काफ़ी उनका इंटरेस्ट ब्याज भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब से समूह बना, समूह में बचत हुआ, बचत के बाद फिर इनका झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग के तरफ से RF का पैसा आया, रिवॉल्विंग फंड, उसके बाद CIF का पैसा आया जिसको बोलते हैं कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड 50,000। तो उससे क्या हुआ, दीदी लोग के पास अपना एक गांव में समूह के माध्यम से एक छोटा सा बैंक हो गया और उनको महाजन से छुट्टी मिल गई। वो चूँकि अपने बैंक से जब उनको चाहिए रहता था समूह में छोटा बहुत लोन, 10,000, 20,000, 5,000, 2,000 जैसा उनका ज़रूरत वैसा वो लोन लेके अपना सारा काम करने के लिए
लेती थी और उसको आसानी से कर पाती थी। जिससे क्या हुआ कि जब धीरे धीरे और भी बैंक लिंकेज के माध्यम से जब पैसा उनके समूह में आया तो वो धीरे धीरे रोजगार से भी जुड़ने लगी। रोजगार के माध्यम से जैसे किन्हीं ने सिलाई मशीन लेके सिलाई सेंटर खोल दिया, किसी ने मशरूम किया, किसी ने बकरी पालन, कई स्कीम के माध्यम से सरकारी स्कीम का भी फ़ायदा मिला, मुर्गी पालन का, बत्तख पालन का, सुअर पालन का, उसके बाद बकरी पालन का, जिसमें कई दीदी एक दो चार बकरी से शुरू करके आज कहीं के पास 20 बकरी 40 बकरी भी आज है। उसके अलावा फिर दीदी लोग अपने इंटरप्राइज करने माध्यम से किराना दुकान है, ठेला खुमचा है। हमारे यहाँ SVP भी एक प्रोग्राम है, स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेनरशिप प्रोग्राम, उसके माध्यम से सभी दीदी को ऑन एन एवरेज 50,000 तक का लोन और 1,00,000 तक का भी लोन अलग से इंडिविजुअली मिल जाता है, जिससे वो लेके अपना रोजगार करने के लिए शुरू कर सकती है। और कई दीदी आज गरीबी रेखा से ऊपर आ गई है यहाँ पे। क्या बदलाव देख रहे हैं अगर हम अंगड़ा प्रखंड की बात करें? अंगड़ा प्रखंड में आज हमारे यहाँ हमारा CLA VO SAG में आज इतना पैसा है कि दीदी लोग के कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है और वो आराम से अपना घर में अपने गाँव में रोजगार कर रही है और धीरे धीरे गरीबी से ऊपर आ रही है। बहुत सारे सामाजिक समस्या का भी हल लोग आपस में मिल कर रही हैं और इसके अलावा सरकारी स्कीम में भी और सरकारी जागरूकता कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, जिससे उनको अपने स्कीम्स अब सरकारी योजना के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी हो गई है और साथ में वो आगे बढ़ रही है। तो देखा आपने किस तरह से स्वयं सहायता समूह आज महिलाओं की जिंदगी की तस्वीर बदलने में कारगर साबित हो रहा है। इस क्षेत्र की महिलाओं को आगे बढ़ने में इसके जरिए मदद मिल रही है। समूह में ये महिलाएं आज सशक्त हो रही हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और लिए चलते हैं आपको डुमर टोली कुड़ू क्षेत्र में, जहां पर मनरेगा के द्वारा यहां के ग्रामीणों को कूप और डोभा निर्माण से जोड़ा जा रहा है। मनरेगा के जरिए जहां यहां के लोगों को 100 दिन का गारंटी रोजगार तो मिल ही रहा है, वहीं कूप और डोभा निर्माण से इन्हें खेती में भी मदद मिल रही है, सिंचाई की उचित व्यवस्था मिल रही है। साथ ही ये यहाँ के लोग अब दूसरे कार्य भी इसके माध्यम से जुड़कर कर पा रहे हैं, जिससे इनकी आर्थिक आमदनी भी बढ़ रही है। देखते हैं इस पूरी कार्य से किस तरह से इन्हें लाभ मिल रहा है और किस तरह से इस क्षेत्र का विकास हो रहा है। सुखमय जीवन जीने के लिए व्यक्ति के पास एक रोजगार का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि रोजगार के द्वारा अर्जित धन से ही इंसान अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है तो उसे समाज में उचित आदर नहीं मिल पाता है, इसलिए हर व्यक्ति के पास रोजगार होना अत्यंत आवश्यक है। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के तहत हमारी टीम आज लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड अंतर्गत टाटी डुमटोली गाँव में है। यहाँ मनरेगा के तहत कुआं पाकर किसान काफ़ी खुश हैं। पहले जो यहाँ बिल्कुल खेतों में कुछ भी नहीं होती थी, बरसात के भरोसे जिंदा रहते थे, मकई उपजा पाते थे और किसी तरीके से जीविकोपार्जन चलता था, आज मनरेगा से कुआं मिला, हर प्रकार की साग सब्जी की खेती कर रहे हैं और अपनी आर्थिक में दुगनी नहीं चौगनी बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ है BPO मनरेगा के, हमारे साथ हैं कुड़ू के, आइए इनसे बात करते हैं कैसे यहाँ संभव हो पाया। मुंडा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रायः जैसे कि इनका कुआं हम लोग दिए हुए हैं वित्तीय वर्ष 2013-14 में। उससे पहले क्या था कि आप देख रहे हैं कि यहाँ रोड के सामने इनका ज़मीन पड़ता है और ये ज़मीन लगभग 150 एकड़ में है, लेकिन हमको जानकारी में पता चला कि इनके पास 80 डिसमिल का अपना ज़मीन है, बाकी सभी भयादी में है। और उस समय जब यहाँ पर आते थे तो जंगल झाड़ तरफ से नज़र आता था, प्लस बरसाती में वही मक्का का हम लोग को दिख पाता था, क्योंकि 2012 के बाद 2015 तीन साल में यहाँ पर काम किया था। अभी तो फिर दोबारा मेरा पोस्टिंग 2019 में हुआ है, तो उस पीरियड में वही कुआं नहीं था तो यहाँ पर उस तरह से खाली देखने को मिलता था। उसके बाद जो आपका वित्तीय वर्ष 2013-14 में ग्राम सभा के द्वारा पारित होके आपका पंचायत कार्यकारिणी से पारित करते हुए योजना स्वीकृति के लिए पंचायत से आया, तो हम लोगों ने इसको सैंक्शन कर दिया, चूँकि STSC परिवार को प्रायोरिटी पे देना था और साथ ही BPL परिवार और जो निम्न वर्गीय सीमांत कृषक वाले जाते हैं उनको, तो इनको सिंचाई कूप देने के बाद ये भी देखा गया कि ये काफ़ी लगन के साथ अपने सिंचाई कूप में काम कर रहे थे। तो बीच बीच में जैसे हम लोग का ब्लॉक स्तर से विजिट होता था तो एक आध बार आए हुए थे,
तो उसमें हम बात किए हुए थे, तो वो भी बतलाएं कि सर ज़रूरत है हम लोगों को, इसलिए हम लोग खुद इस पे काम कर रहे हैं। और जैसे वो खुद भी इस पे काम किए हुए थे, चूँकि उस समय मजदूरी भी करते थे अपने साथ, तो उन्होंने अपना पूरा परिवार के साथ में लग किया और अपने जो भी हैं उनके साथ एक कुआँ तैयार किया, जबकि आपका ये कुआँ 3,36,000 के लागत से है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से ऐसे नागरिक हैं जिनके पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, इसलिए उन्हें दूसरों के खेत में मजदूरी करनी पड़ती है, जिसके फलस्वरूप उन्हें उचित मजदूरी प्राप्त नहीं होती है। हमारे देश के केंद्र सरकार ने इस समस्या का गहन अध्ययन किया और इसके समाधान हेतु मनरेगा का शुभ आरंभ कर दिया। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। मेरा नाम है महावीर उराम, प्रखंड कुड़ू थाना कुड़ू जिला लोहरदगा। खेती, आप खेती किसानी करते हैं? हाँ, क्या करते हैं काम? काम वही करते हैं कि घर का काम, खेती किसानी में कभी टमाटर लगाते हैं, कभी थोड़ा मोड़ा आलू भी लगा लेते हैं, मटर सब लगा लेते हैं। पहले जब ये कुआं नहीं था तब कैसे खेती बाड़ी करते थे और क्या होता था? पहले खेती बाड़ी पहले यही कर रहे थे कि इसे बरसात वाला में कभी मकई लगाते थे, कुछ भी थोड़ा मोड़ा होता था, तो होबो नहीं करता था। अच्छा, तो घर परिवार कैसे चलता था? घर परिवार तो कभी मजदूरी इधर उधर कर लेते थे, का दिन दो दिन चार दिन हफ्ता भर ऐसे कभी कभी। अच्छा, तो हफ्ता दिन में मजदूरी में घर का काम चल जाता था? तो थोड़ा मोड़ा कभी कभी घर का भी हो जाता था, उसमें मिसा उसा के चलता है ना। हा? घर का थोड़ा मोड़ा होता है ना तो चलता है ना, मतलब थोड़ा बहुत अनाज के रूप में मक्का वगैरह होता था। हाँ। अच्छा, और तो क्या चीज़, तो मक्का उक्का लगाते थे, कभी थोड़ा मोड़ा मड़ुआ सब भी डाल देते थे थोड़ा मोड़ा। कभी धान वगैरह का खेती नहीं किया? धान उन थोड़ा मोड़ा है, धान वगैरह करते हैं, हो जाता था। हाँ। अच्छा, उसके बाद कभी रबी फसल वगैरह कभी नहीं किया आप? रबी फसल तो अब क्या करें, उस समय पानी नहीं के साधन नहीं है हम लोग का। अच्छा, तो फिर पानी का साधन कैसे हुआ? अभी तो आप खेत वगैरह जोत रखे हैं, खेत की तैयारी कर रखे हैं रबी फसल लगाने के लिए, कैसे हो रहा है? तो ही है कि नरेगा वाला जो मनरेगा बोलते हैं उसमें दिया है, सरकार तरफ से मिला है। अच्छा, तो उसमें से थोड़ा बहुत लगा लेते हैं, आलू टमाटर या कोई चीज़ सब्जी लौका कद्दू सब कोई चीज़ भी हल्का फुल्का लगा लेते हैं। मनरेगा के तहत गाँव में नलकूप, डोभा, तालाब, सड़क आदि का निर्माण ग्रामीणों के द्वारा ही करवाया जाता है, ताकि ग्रामीणों को रोजगार मिल सके और आधारभूत संरचना से गांव को भी लाभ मिले। मेरा नाम देवकांत उराव, जनसेवक सह पंचायत सचिव ग्राम पंचायत टाटी। अब महावीर उराव का कुआं ग्राम सभा से वार्षिक कार्य योजना में अपना नाम, खाता प्लॉट नाम दिए और उसमें पारित होने के पश्चात प्रखंड कार्यालय में जमा किए। जमा करने के बाद में वहाँ से स्वीकृति मिली, स्वीकृति मिलने के पश्चात इनका कुआं खुदाई शुरू हुआ। खुदाई में मनरेगा से मजदूरी भुगतान किया जाता था और मटेरियल का आपूर्ति किया जाता था। और इनका स्थिति पहले गरीबी थी, इनको कुआं नहीं होने के कारण इनको मजदूरी का काम करना पड़ता था, लेकिन कुआं हो जाने के पश्चात यहाँ लगभग 80 डिसमिल ज़मीन पड़ता है। हम बराबर देखते हैं, खेती बाड़ी में व्यस्त रहते हैं और सब्जी जैसे भिंडी हुआ, मिर्चा हुआ, कद्दू हुआ, नेनुआ हुआ, ये सब लगाते हैं और बाज़ार में बेचते हैं। उसमें आर्थिक स्थिति इनका 75% सुधार हो गया और इनको हरा सब्जी खाने के लिए भी मिल जाता है और बेचने के लिए भी हो जाता है। एक पंजीकृत व्यक्ति काम पाने के लिए पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को लिखित रूप से एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
इस अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है, इसलिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतान किया जाता है। सर यहाँ पर आते थे कहते हैं महीना या महीना में बीच बीच में पंचायत फील्ड के लिए आते थे, तो जो डोमेट लियनों का टोला है वहाँ पर देखते थे कि लोग घर के अगल बगल में ही रहते थे और तिहाड़ी मजदूरी करके थके हारे रहते थे, तो कभी कभी जैसे सप्ताह में 3 दिन काम करते थे, बाकी दिन लोग बैठ के अपना नशा पान वगैरह करते थे। लेकिन यहाँ पर जब ये खेती बाड़ी पर लग गए तो अभी इनका रहन सहन में बदलाव पाया गया, प्लस आज डोमेटोले में भी जाने के बाद देखते हैं क्या कि जो लोग पहले आपके 2010 के आसपास में जो माहौल था अभी वो बदल के अब लोग अपने आप जागरूक हो गए हैं और अपने घर का भी भरण पोषण करते हैं, साथ में खेती पे भी मन लगा के काम करते हैं। कितना आमदनी में इनकी बढ़ोतरी हुई? तिहाड़ी मजदूरी में तो सर इनका रोजी का केवल खान पान हो पाता था, और जैसे कि ये साल में कम से कम 2 फसल तो निकाल ही लेते हैं, और जो इनका 80 डिसमिल में है तो पहले से सुधार करते हुए हमको लगता है कि ये सालाना कम से कम 20 से 30 हज़ार का इनकम ले लेते हैं सब्जी में। मनरेगा के कारण आज ग्रामीणों को अपने ही गांव में रोजगार मिल रहा है और पलायन जैसी गंभीर समस्या का भी समाधान हुआ है। यहाँ पर सिंचाई के लिए जनरली सिंचाई कूप है, और उसके अलावा आपका अभी जल संचय से संबंधित डोभा का योजना है, और उससे पहले तालाब भी होता था, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे पास जल संचयन को लेकर ट्रेंच कम बंड की योजनाएं चला जा रही है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज के समय पे ये कुआं का बरसाती चौके भरा हुआ है, लेकिन ये जब जैसे ठंडा बार होने के बाद गर्मी का सीजन आएगा तो ये निम्न पानी का स्तर कम हो जाएगा। इसको लेके अभी हम लोगों के ज़िला में फोकस किया गया है कि सभी पंचायत में कम से कम पर विलेज 5 से 10 TCB का काम कराया जाना है, जिससे बरसात के पानी से जल का संचयन हो सके। तो अभी हमारे यहाँ पर लगभग 274 TCB स्वीकृत करा के काम कराया गया। तो आपने देखा कि किस तरह से मनरेगा से जुड़कर इन ग्रामीणों के चेहरे पर आज खुशी आई है और खुशहाली से अपना जीवन जी रहे हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम में हमने ये भी दिखाया कि किस तरह से स्वयं सहायता समूह के जरिए आज ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।